वहीं ग्वालियर की महाराजपुरा पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी जंडेल गुर्जर के पास से एक 315 बोर का लोडेड कट्टा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए। आपको बता दें, बदमाश जंडेल गुर्जर पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस इसकी कई दिनों से तलाश कर रही थी। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। जंडेल गुर्जर जो गैंगस्टर पकड़ा गया है, ये बेसिकली इंटरस्टेट क्रिमिनल है। इसके अगेंस्ट में राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस हैं। हमारे यहाँ ग्वालियर में जो एक गैंग रेप की बहुत ही सेंसिटिव घटना हुई थी नाबालिग बालिका के साथ में, उसमें लगातार फरार चल रहा था। इसी गिरफ्तारी को लेके ग्वालियर पुलिस के द्वारा और राजस्थान पुलिस के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसी गिरफ्तारी की गई है और इसको रिमांड पर लेके बाकी जो इसके एसोसिएट्स हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। सर, मुठभेड़ करनी पड़ी, चोरी है। ये बेसिकली बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल है और इसके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, डकैती लूट उस तरह का क्रिमिनल है और ये पूरी संभावना थी कि ये फायर आर्म इसके पास होगा। पुलिस टीम जो लगाई गई थी वो भी फायर आर्म से इक्विप थी। जब इसके द्वारा हवाई पुलिस पर फायर किया गया, उसी समय पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायर किए गए हैं और उस पूरी ऑपरेशन में इसकी गिरफ्तारी हुई। अभी तक इसके साथ में एक दूसरा जो आरोपी है वो फरार हुआ है, बाकी पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि लंबे समय से फरार था। इसके साथ में और एसोसिएशन हो सकते हैं, उसकी जानकारी ली जा रही है। हाँ, फायर आर्म जब्त हुआ है। ये इनिशियली जानकारी मिली है, इसकी लोकेशन राजस्थान में थी और हमारी जो टीम थी लगातार ट्रैक कर रही थी, उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे इसको अरेस्ट किया।